दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारा जो है सिलेबस मैंने अपलोड किया हुआ है इस चैनल में, ठीक है। तो आप उन सभी चैनलों को मतलब वीडियो को देखें, वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी है, मतलब बेनिफिट होने वाला, ठीक है। मैंने उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी डाला हुआ है, मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को आप देखिए। और यहाँ पर मैं जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट जो है मेरा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो मेरा 2010 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इसको आप क्या कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपका एलपी का जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है, ठीक है। तो ALP 2 के लिए ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। या RPF का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपका बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंस, क्योंकि RPF का SI का एग्ज़ाम है, CI का एग्ज़ाम है, कॉन्स्टेबल का है, ठीक है। तो वो सब के लिए ये एग्ज़ाम जो है बहुत उपयोगी होने वाला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन मेरा किस टाइप से आ रहा है या किस टाइप से नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मैं सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ आपको देख रहे हैं, यहाँ आप आंसर शीट भी आपका दिया हुआ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बना के आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। और नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका PDF, वहाँ से आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।